वेलकम बैक एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं आपको एक और कमांड के बारे में बताऊंगा, सर्कल। उससे पिछली वीडियो में हमने देखा था इसको हम कैसे बनाएं, इसके लिए हमने ये सब कमांड्स यूज़ करी थी। आज हम ये सब कमांड्स यूज़ करके सर्कल को सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल सा सर्कल है जिसका रेडियस है 50, इसको हम कैसे बनाएं? तो एक कमांड है सर्कल के लिए, सी एंटर। सर्कल का जो पहला अल्फ़ाबेट है वही है सी एंटर, और एंटर की जगह आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हो ऑटो कैड में, आपको इजी रहेगा। तो मैंने प्रेस किया सी एंटर, तो ये आ गया मेरे पास नीचे सर्कल का कमांड एक्टिव। देखो तो आगे वो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि सिंपली मेरे को क्लिक करना है और मुझे उसे बताना है सॉफ्टवेयर को कि मेरा सेंटर पॉइंट कहाँ होगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेंटर। इसके बाद कमांड लाइन में आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायामीटर। जो पहला वाला पोर्शन है उसके लिए हमें कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें कीबोर्ड में लिख देना है कितना चाहिए हमें और उसके बाद एंटर कर देना। तो इसका रेडियस है 50 और वो बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस, तो हमने 50 किया एंटर और ये बन गया हमारा 50 रेडियस का सर्कल, एग्जैक्टली सेम जैसा ये है। इसके बाद जो है, ये तो हमारा 50 रेडियस था। सपोज़ यहाँ पर एक और 130 डायामीटर है, ये देखो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया सर्कल का डायामीटर, तो ये है 130। या तो हम ऐसे कर सकते हैं 130 का हाफ कर दो तो रेडियस निकल जाएगा। तो जैसे हमने ये सर्कल बनाया था रेडियस डाल के, वैसे का वैसे हम उसको भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ डायामीटर अवेलेबल है और कैलकुलेशन हमसे नहीं होती है, सिंपली सी एंटर करो, सर्कल कमांड एक्टिव होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, हमने सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। एंड उसके बाद रेडियस की जगह अगर हमें डायामीटर डालना है, तो यहाँ पे डी आ रहा है ना डायामीटर का, सिंपली डी एंटर कर दो और उसके बाद आप डायामीटर डाल सकते हो। डायामीटर कितना है 130 और उसके बाद एंटर कर दो, तो ये 130 डायामीटर का एग्जैक्टली सेम सर्कल बन गया है। अगली वीडियो में मैं आपको डायमेंशंस भी बता दूंगा कैसे लगाते हैं, बट फॉर नाउ हम सिंपली सर्कल बना रहे हैं। अगले सर्कल को देखते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इसको फिगर है क्या। ये ट्रायंगल है, इसके बाहर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है और एक और सर्कल है जो यहाँ इसकी लाइन, इस लाइन के मिड पॉइंट से जा रहा है और इस लाइन के भी मिड पॉइंट से जा रहा है, प्लस एक कॉर्नर पे भी टच कर रहा है। तो ये है हमारा फिगर। एक बार आप ध्यान से फिगर को देख लो, उसके बाद हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है, तो ये जो लेंथ है वो है 80 और दो एंगल हमें दे रखे हैं 60-60 डिग्री के। दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो एंगल 60 के हैं, तो थर्ड एंगल भी 60 ही होगा, क्योंकि जो सम होता है ट्रायंगल के एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो सिंपली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड दे रखी है 80, तो बाकी की साइड भी 80 ही होंगी, जिसमें ये सीधी लाइन है बिल्कुल 180 डिग्री पे। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो मैं प्रेस करता हूँ L एंटर और ये मेरी लाइन आ गई बिल्कुल स्ट्रेट, 80 लेंथ है उसकी, एंटर। अब मुझे ये 60 डिग्री पे एंगल लेना है, तो अगर मुझे ये एंगल 60 डिग्री पे लेना है, पहले तो मुझे ये ऑर्थो मोड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इससे तो 90 डिग्री पे एंगल जाएगा। तो मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ ऑर्थो मोड को, और उसके साथ एक ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग को मैं ऑन कर लेता हूँ। और इसके साथ एक एरो है, ये पोलर ट्रैकिंग का ही एरो है, इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो मुझे ये बताएगा कौन कौन से एंगल को ये बताएगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मुझे चाहिए 60 डिग्री का एंगल, 30, 60, 90, 120 वाली सीरीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे ये बताएगा यहाँ पे 60 है, और मैं 90 वाले को ऑफ कर दिया अपने आप इसने, ओके। तो अब देखो, अब मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, ये 30 डिग्री का एंगल बता रहा है, फिर वो 60 डिग्री का एंगल भी बताएगा। ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल जो पोलर ट्रैकिंग हमें बता रहा है। तो इसके बाद मुझे कितनी लेंथ चाहिए इसकी, इसकी भी 80 लेंथ चाहिए मुझे, तो 80 एंटर। लाइन कमांड एक्टिव है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से जोड़ सकता हूँ क्योंकि ये भी अपने आप ही 80 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल लिया था, तो ये गया जुड़ क्लिक करने के बाद। तो अब मैं इस लाइन कमांड से बाहर आता हूँ, एग्जिट। अब इसके बाद आप देखो तो एक सर्कल है जो वो तीनों वर्टिसेस से होके जा रहा है ट्रायंगल की, यानी वो यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम,
तो सबसे पहले तो हम अपनी कमांड एक्टिव कर लेते हैं सी एंटर सर्कल की। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और 3P 2P TTR। जो ये 3P वाला ऑप्शन है हमें इसे एक्टिव करना पड़ेगा। 3 पॉइंट पे टच करके सर्कल जाएगा तो वो अपने आप ही ऐसा बन जाएगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पे अगर टच हो गया सर्कल तो अपने आप ही वो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हो या फिर आप अपने कीबोर्ड पे 3P एंटर भी कर सकते हो तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो मैं 3P लिख देता हूँ अपने कीबोर्ड में और एंटर कर देता हूँ तो ये मेरी कमांड एक्टिव हो गई 3P वाली। तो अब वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, यानी कि सर्कल का जो पहला पॉइंट है वो ये है। फिर कह रहा है सेकेंड पॉइंट बताओ, तो सेकेंड पॉइंट ये है। और फिर कह रहा है थर्ड पॉइंट बताओ, तो थर्ड पॉइंट ये है। तो बन गया ना मेरा बिल्कुल सेम सर्कल ट्रायंगल के बाहर की तरफ। मुझे इसका रेडियस नहीं पता है लेकिन 3 पॉइंट पता है, तो अपने आप इस कमांड को लगाने के बाद ये अपने आप ऐसा बन जाएगा। इसके बाद अंदर वाला सर्कल बनाना है मुझे। अब अंदर वाले सर्कल की खूबी ये है कि देखो ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट से ये टच हो रहा है, इस लाइन के भी मिड पॉइंट से टच हो रहा है और इस लाइन के भी। तो 3 पॉइंट हमें पता है कहाँ कहाँ टच हो रहा है और हमें एक कमांड भी पता है। तो अगेन मैं सी एंटर करता हूँ, इसके बाद 3P को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इसको बताता हूँ मेरे जो पॉइंट है 3, 1, 2 एंड 3। अगर आपको ये पॉइंट नहीं बता रहा है तो आपको सिंपली स्नैप कर्सर ऑन करना है और ये जो एरो है साइड में इसको क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर लेना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर टिक नहीं है, सपोज़ ये देखो आपको टिक दिख रहा है ना, मैं इसको बंद कर दूँ अगर तो ये मुझे नहीं दिखाएगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो मुझे ये अपने आप दिखाने लग जाएगा। जैसे मैं एल एंटर करता हूँ ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये भी हमारा सर्कल बन गया, ये भी बन गया, यानी कि ये बन गया और ये बन गया, लेकिन तीसरा सर्कल अभी बाकी है ये वाला। तो तीसरा सर्कल कैसे बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है इसका, एक पॉइंट यहाँ टच हो रहा है और एक यहाँ। तो ये एज है, ये लाइन का मिड पॉइंट है इस लाइन का, और इस लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो हमें 3 पॉइंट पता है। तो फिर से हम कमांड लगाते हैं सी एंटर और 3P पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा एंड द थर्ड पॉइंट इज ये रहा। तो एग्जैक्टली सेम फिगर हमारी बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ सर्कल 3P। तो अगली फिगर पे अब हम चलते हैं। तो अगली फिगर कुछ ऐसी है, इसमें आपको देखने को मिल रही है बेसिकली 3 लाइंस, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तीनों लाइन की डायमेंशंस 50, 50 और 50 हैं। इसके बाद उन लाइंस के सराउंडिंग में सर्कल्स हैं। ये वाला जो सर्कल है उसका एक पॉइंट यहाँ टच हो रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, तीसरा पॉइंट टच कहीं भी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये वाला सर्कल आप देखोगे तो उसका एक पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट से जा रहा है, दूसरा पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट से जा रहा है एंड जो तीसरा है वो यहाँ एज पे है, इन दोनों लाइंस के एज के ऊपर। तीसरा जो सर्कल है वो यहाँ पे टच हो रहा है, इसके मिड पॉइंट से जा रहा है इस लाइन के एंड इस लाइन के भी मिड पॉइंट से जा रहा है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये लाइंस बनानी है, हमें थोड़ा आइडिया होगा फिगर का कि हमें बनानी कैसे है। फिर L एंटर, सीधी लाइन लेनी है हमें तो हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। तो इसके बाद 50 एंटर, 50 एंटर, 50 एंटर और फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ। इसके बाद बड़ा वाला सर्कल बनाना है तो सी एंटर लेता हूँ और मुझे अब 2 पॉइंट पता है, 3 पॉइंट नहीं पता है। तो बेसिकली 2P का जो ऑप्शन है यहाँ पे 3P के बाद, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड पे 2P भी लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट, ये ऑर्थो मोड की वजह से दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। तो बन गया ये सर्कल। इसके बाद ये वाला सर्कल बनाने के लिए, वैसे तो हम इसे 2P से भी बना सकते हैं, 3P से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 2P के बारे में बता रहा हूँ। तो सी एंटर करता हूँ, 2P सिलेक्ट करता हूँ, एक पॉइंट है इसके मिड पॉइंट पे और दूसरा है इसके मिड पॉइंट पे, तो ये बन गया हमारा। इसके बाद सी एंटर कर दो दोबारा से और 2P सिलेक्ट कर लो, तो ये रहा एक मिड पॉइंट यहाँ पे, दूसरा मिड पॉइंट यहाँ पे। तो 2P से हमने ये फिगर बना ली। इसके बाद अगले फिगर पे चलते हैं। तो कुछ ऐसी फिगर है ये, इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बहुत कि कैसे बनी हुई है ये। ये है जो रेडियस 50 है इसका, इसके बाद ये वाला रेडियस है 35, इसके बाद ये रेडियस है 40 और ये रेडियस है अगेन 35।
बीच में भी एक सर्कल है जिसका कुछ नहीं पता है। सबसे पहले ये वाला जो लेंथ है इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक, वो दे रखा है हमें 120। तो ये फिगर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक रेडियस 50 का ये वाला सर्कल बना लेता हूँ। सी एंटर, रेडियस हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ होता है यहाँ पे, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 50 एंटर। इसके बाद 120 के गैप पे हमारा दूसरा सर्कल है। सबसे पहले मैं L एंटर करता हूँ और यहाँ इसकी सर्कमफ्रेंस पे लेके आऊँगा मैं जैसे, तो बीच में मुझे ये पॉइंट दिखाने लगता है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरा ये स्नैप ऑन है, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ऑन कर रखा है। तो ठीक है, यहाँ से मैं 120 एंटर करता हूँ, एंटर, और फिर मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। इसके बाद ये वाला जो सर्कल है वो 40 रेडियस का है, तो सी एंटर करता हूँ मैं और यहाँ से इसके सेंटर से 40 एंटर कर देता हूँ। तो ये सर्कल बन गया है हमारा और ये सर्कल बन गया है। लेकिन तीसरा जो सर्कल हमने बनाना है उसका हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है सिवाय दो पॉइंट के, एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है कहाँ है हम यहाँ बता नहीं सकते कि कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी एंटर करते हैं, कमांड एक्टिव होगी सर्कल। आगे हमने देखना है इनमें से कौन सी कमांड है जो हमारे काम की है। तो बेसिकली दो पॉइंट्स हमें पता है, दो टेंजेंट्स हमें पता है। टेंजेंट होता है जहाँ से टच करके निकल रहा है किसी भी सर्कल को कोई चीज़। तो ये वाला सर्कल जो है वो यहाँ पे टच कर रहा है इस सर्कल को, और यहाँ से ये वाला सर्कल को टच कर रहा है। तो बेसिकली ये भी सर्कल टच हो रहा है, ये भी सर्कल टच हो रहा है। और तीसरी चीज़ है हमारे पास रेडियस जो कि है 35। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, दो टेंजेंट हैं और तीसरा रेडियस है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हमसे ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, यानी पहला टेंजेंट कहाँ पे आया, तो ये वाले सर्कल पे। दूसरा टेंजेंट है हमारा ये वाले सर्कल पे। और फिर तीसरी बार वो पूछ रहा है रेडियस क्या है, तो मैं 35 एंटर कर देता हूँ, तो ये सर्कल अपने आप बन गया। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा सर्कल बनेगा, ये जो 35 रेडियस का एक और सर्कल है। दो टेंजेंट है हमारे पास इस सर्कल पे और इस सर्कल पे। तो हम यहाँ पे फिर लेते हैं सी एंटर, तो ये वाला हमने TTR सेलेक्ट कर लिया। ये वाले सर्कल पे टेंजेंट है, ये वाले सर्कल पे टेंजेंट है, और रेडियस है हमारा अगेन 35। तो एक और सर्कल, एग्जैक्ट फिगर हमारी जो है बन चुकी है सिवाय बीच वाले इस सर्कल के। इस सर्कल में अगर आप ध्यान से देखो तो तीन टेंजेंट है, इस सर्कल पे टेंजेंट है, इस सर्कल पे टेंजेंट है और इस सर्कल पे टेंजेंट है। इस सर्कल को ये टच नहीं कर रहा है। तो हम जब सी एंटर करते हैं, सी एंटर, यहाँ पे हमें TTT कोई ऑप्शन नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ ऊपर जो है सर्कल वाली कमांड में, यहाँ से भी आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेंजेंट 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 10 10 10। इसको अगर हम सिलेक्ट कर लें तो अब हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सर्कल पे टेंजेंट है हमारा, ये वाले पे एंड ये वाले पे, तो एग्जैक्टली सेम सर्कल हमारा बीच में बन गया है। तो देखो एग्जैक्टली सेम फिगर हमारी बन चुकी है। तो ये था गाइस ऑल अबाउट सर्कल कमांड। आई होप आपको समझ में आया होगा सर्कल को कैसे यूज़ करते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर आप ये फिगर को एग्जैक्टली सेम बना लेते हो, डायमेंशंस लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिगर को बना लोगे तो आपको सर्कल एग्जैक्टली समझ आ गया कि कैसे यूज़ करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।